धारा 14(1) सुशील कुमार सोनो सुल्तान सिंह निवासी मोहल्ला डालगंज कस्बा व थाना बिरोड श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से एसएस गार्डन बाह्य मकान कुर्क किया जाता है। श्री उप जिलाधिकारी महोदय क्षेत्राधिकारी महोदय करावली के निर्देशों में कुछ इसी तरह मुनादी करके मैनपुरी पुलिस ने शराब माफियों पर शिकंजा कस दिया। जी हाँ, अपराध की दुनिया में उतरकर मैनपुरी के दो शराब माफियों ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और 2 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया। धारा 14(1) सुशील कुमार सोनो सुल्तान सिंह निवासी मोहल्ला डालगंज कस्बा व थाना बिरोड श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से एसएस गार्डन बाह्य मकान कुर्क किया जाता है। कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई। जिन शराब माफियों पर शिकंजा कसा गया उनमें सुशील कुमार और अरमान नाम के 2 माफिया शामिल हैं। कार्रवाई के तहत इनके मकान मैरिज हॉल और जमीनों को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। धारा 14(1) सुशील कुमार सोनो सुल्तान सिंह निवासी मोहल्ला डालगंज कस्बा व थाना बिरोड श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से एसएस गार्डन बाह्य मकान कुर्क किया जाता है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शराब माफिया अरमान के खिलाफ अलग अलग संगीन धाराओं में कुल 30 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि दूसरे माफिया सुशील पर 7 केस दर्ज हैं। आरोप है कि दोनों जमकर 2 नंबर से कमाई करते हैं और काली दौलत से बेहिसाब संपत्ति जुटा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।